अस्सलाम वालेकुम अजीज तारीम इल्मो अजीज वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो चैन स्प्रॉकेट ही, लेकिन कैलिपर डाया चैन स्प्रॉकेट यूज द फार्मूला इवन नंबर ऑफ टीथ। ये फार्मूला आप उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब टीथ इवन नंबर में हो, स्प्रॉकेट के टीथ इवन नंबर में हो, ठीक है ना। तो उस टाइम बॉटम डायामीटर जो होता है ना वो आपको सही नहीं निकलता, आप उसकी सही पैमाइश नहीं कर सकते, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा उसके अंदर। ये देखें कि इसमें जो दिया गया है कि इसको हम सॉल्व करते हैं, पिच डाया, ये हमारा पिच डाया है, ठीक है। अब हम हल करते हैं इसको, इसको हम यहाँ से हल करते हैं, 7.979 मल्टीप्लाई पिच कितनी है, 0.375 मल्टीप्लाई कॉस 90, एन कितने 25। रूलर डाया क्या है हमारे पास, रूलर डाया है हमारे पास 0.200 इंच। ये जब हम इसको इससे काटेंगे ये आ जाएगा 3.6 डिग्री, या 3.6 डिग्री का जो कोण होगा वो 0.998 होता है। इसको पहले हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.992 मल्टीप्लाई 0.998 माइनस 0.200 इंच। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बॉटम डाया आ जाएगा, BOTOM बॉटम डाया हमारे पास आएगा 2.786 इंच। याद रखिएगा वर्नियर से ये पैमाइश सही नहीं होती, ऑड नंबर का जो बॉटम डाया होता है उसकी, तो उसको फिर हमें इस कैलकुलेशन से मालूम किया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ऐसा भी है कि बॉटम डायामीटर को आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन बॉटम डायामीटर को आप कम किस तरह रख सकते हैं देखें, ये आप नोट कर लें, ये मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बॉटम डायामीटर को किस फार्मूले के तहत कम रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ फार्मूला बताऊँगा ताकि आपको वो चीज़ खुद करने की भी आदत हो, सिर्फ फार्मूला बताऊँगा, ठीक है। ये उस सूरत में यूज़ करना है जब इवन नंबर चैन स्प्रॉकेट के तीत हो, तो कैलिपर डायामीटर जो पैमाइश डायामीटर करेगा वो कितना करेगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखें, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया इवन नंबर का जो फार्मूला करवाना था वो करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द बॉटम डायामीटर कैन बी रिड्यूस, कितना रिड्यूस कर सकते हैं बॉटम डायामीटर, ठीक है। द बॉटम डायामीटर कैन बी फर्दर रिड्यूस, रिड्यूस हो सकता है, सो डैट द चेन कैन रन स्मूथली, ताकि चेन आसानी से चल सके। तो कितनी रिडक्शन होगी, किस फार्मूले के तहत होगी, किस चीज़ के तहत होगी, तो ये देखें, ये फार्मूला इसका लिखना है 0.03 प्लस 0.001, ये इंच के हिस्से है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई पिच डिवाइडेड बाय एन। इस फार्मूले के तहत आप डायामीटर को, बॉटम डायामीटर को आप कम कर सकते हैं ताकि चैन आसानी से स्मूथली चल सके, ठीक है। ये फार्मूला देख लें, बड़ा है मैं। अच्छा, इससे पिछली जो वीडियो गई है उसमें जो एक मुझसे थोड़ा सा साइन जो है वो प्लस का लग गया था शुरू में, वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है एंड में, ओडी मालूम करने का चैन स्प्रॉकेट का, शुरू एंड में जो है पिच जहाँ लिखी है उसके अंदर, तो मुझसे आप कमेंट्स में आप करके उसको पूछ सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही शाहिन सार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।